शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे गीबत के बारे में। गीबत क्या है? गीबत यानी किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो उस बात को सुनता तो उसको बुरा लगता। गीबत करना गुनाह कबीरा है और शरीयत में नहायत नापसंदीदा अमल है और इसके करने का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन बअज़ज़्ज़न इस्मु वला तजस्सु वला यक्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतं फकरिहतुमु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। यानी ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? इससे तो खुद तुम नफरत करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। और गीबत से मुतालिक बहुत सी हदीसें हैं, चलिए नज़र डालते हैं उन हदीसों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के उस ऐब का जिक्र करे कि जिसके जिक्र को वो नापसंद करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि अगर वाकई वो ऐब मेरे भाई में हो जो मैं कह रहा हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐब उसमें है जो तुम कहते हो, तभी तो वो गीबत है, और अगर उसमें वो ऐब ना हो तो तुमने उस पर बहतान लगाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत से बचो क्योंकि गीबत जीना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान मर्द या औरत की गीबत करता है, अल्लाह ताला उसके 40 शब रोज़ की नमाज को कबूल नहीं करता, मगर यह कि वो शख्स उसे माफ़ कर दे जिसकी गीबत की गई हो। अब जानते हैं गीबत की सज़ा और अंजाम के बारे में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज अता की गई तो उस रात मेरा गुजर एक कौम पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को खुरच रहे थे। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते थे, यानी गीबत किया करते थे, और उनकी इज्जत और आबरू के पीछे पड़े रहते थे। अबू दाऊद की हदीस में है कि अगर किसी मर्द या औरत ने अपने मुसलमान भाई की गीबत की या ऐब टटोल ले तो अल्लाह ताला उसकी पोशीदा बातें और राज दूसरों पर जाहिर कर देंगे, और वह शख्स अपने घर में भी जलील होगा और बाहर भी रुसवा होगा। एक हदीस से ये बात साबित है कि अक्सर अजाब कब्र दो चीज़ों से होता है जो कि लोग मामूली समझते हैं, एक तो पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से और दूसरी गीबत करने की वजह से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर गीबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए हलाकत है। अब जानते हैं गीबत से बचने के तरीके के बारे में। गीबत का बोलना और सुनना दोनों गुनाह है, कबीरा है, लिहाजा अगर कोई गीबत कर रहा हो तो सुनने वाले को चाहिए कि उसे फौरन रोक दे, या अगर ये ना हो तो वहाँ से उठकर चला जाए या कोई दूसरी बात शुरू कर दे। किसी मजलिस में शामिल हो तो मजलिस के शुरू और आखिर में दुआ ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, बिना ज़रूरत के कोई बात ना करे और खामोश रहे, क्योंकि गीबत की शुरुआत बिला वजह की गुफ्तगू से होती है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतालिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।